जीटी रोड मछरौली के पास दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। पीछे से आ रहे चार कार भी आपस में भिड़ गई, जिससे कारों के परछक्के उड़ गए और दो मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान गांव मछरौली के रूप में हुई है। सड़क हादसा होते हुए ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और उन घायल यात्रियों को, कार सवारों को कार से निकालकर पानीपत के निजी अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां सभी घायलों का पानीपत के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसा इतना भीषण था कि चारों कारों के परछक्के उड़ गए, जिसके कारण जीटी रोड पर भारी जाम भी लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाकर शव पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शवों के टुकड़े हो गए, जिसकी पहचान भी मुश्किल से हो पाई। हादसे के कारण जीट रोड पर लंबा जाम भी लग गया, जिसको पुलिस ने बड़ी मकसद के बाद खुलवाया। हादसे की सूचना मिलते ही मछरौली के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शवों को एम्बुलेंस की सहायता से पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। मछरौली में पता लगते ही दोनों घरों में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार यह दोनों चचेरे भाई थे और किसी काम के लिए पानीपत की तरफ से आ रहे थे। मछरौली से कुछ ही दूरी पर चलते हुए दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पीछे आ रही चार कार भी आपस में भिड़ गई और कार में सवार सभी लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल शव पानीपत के सामान्य अस्पताल में रखवा दिया गया है और जाम को खुलवा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इतने में डंपराने पहले घर वाले को ठोकी दी, थोड़ा जाम हाल गया था, फिर सीधी इन पे चढ़ा, ये अपनी साइड से चल रही डंपर ने, तो आप देख रहे हैं सारा ये मोटरसाइकिल साइड डंपर वाले ने इन्हीं पे चढ़ा। कहाँ से कहाँ रहे थे, क्या था, कैसे पानीपत की ओर आ रहे थे, तो किस तरह मतलब कहाँ पे किस जगह पे हुआ ये, कैसे हुआ ये, पुलिस लाइन से पहले ही आगे ही थोड़ा गाजीपुर से आगे पानी पर साइड आते हुए पसीने वाला कट है, इससे थोड़ा बाइक पे थे ये लोग, ये बाइक पे दुर्घटना कैसे किस हुई, कुकर हुआ एक्सीडेंट, उसने डंफर वाले ने मारी थी साइड, पहले तो कार वाले को मार दिया, फिर ये साइड में चल रहे थे, फिर इनका कट मार गया, पुलिस वाले बता रहे थे नशे में, वो भाग गया, वो नहीं, वो कार वाले को चोट लगी है, कार वाले को चोट लगी वहां से एक्सीडेंट हुआ। गांव खंडरा निवासी एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी होने का मामला सामने आया है। दरअसल दलबीर निवासी गांव खंडरा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 22 सितंबर को उसके खाते से 55,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि SBI बैंक में उनका अकाउंट है और जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर अपने पैसे वापस मंगवाने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दलबीर सिंह की शिकायत के आधार पर देर रात थाना मतलोड़ा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि दलबीर सिंह निवासी गांव खंडरा ने देर रात पुलिस को शिकायत दी है कि 55,000 रुपये की उनके खाते से ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत देकर पैसे वापस मंगवाने की मांग की है। गांव बोहली में पुलिया के पास दो लोगों से मारपीट कर 20,000 रुपये छीनने का मामला सामने आया है, जहां देर रात पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गुलाब व संजय निवासी महमदपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वो गांव बोहली में
रामनिवास को 20,000 रुपये देने जा रहे थे। जब वो गांव बोली के पास पुलिया पर पहुंचे तो आरोप है कि 4 लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और उनसे 20,000 रुपये छीन लिए। 4 लड़कों पर ये मारपीट कर 20,000 रुपये छीनने के आरोप लगे हैं। जहां देर रात गुलाब व संजय की शिकायत पर थाना मतलोठा पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि गुलाब व संजय ने आरोप लगाए हैं कि 4 लड़कों ने उनके साथ मारपीट कर उनसे 20,000 रुपये की नकदी छीन ली है।